सभी साथियों को नमस्कार। मैं अवधेश नांगलोई डिवीजन से आज 53वां शक्ति समारोह सप्ताह मना रहे हैं। तो आप सभी को नेशनल सेफ्टी वीक की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ भी है, आज महाशिवरात्रि है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये नेशनल सेफ्टी वीक हम मनाते क्यों हैं, क्यों स्टार्ट कहाँ से हुआ। हुआ ये था कि 1966 में लेबर, उससे पहले जब 1966 से पहले लेबर डिपार्टमेंट ने कोई नेशनल सेफ्टी काउंसिल, किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती थी। आप लोगों को याद होगा कि भोपाल कांड हुआ था ना, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट ने एक स्टेप लिया था 4 मार्च 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हुआ था। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की शुरुआत हुई थी, जिसमें तीन मुख्य काम शुरू करे। एक तो जो वर्कफोर्स, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री अलग अलग थी, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री थी, उनके वर्कफोर्स, उनके जो वर्किंग एनवायरमेंट वर्क प्लेस है उसकी बात कही, सेफ्टी की बात कही और एनवायरमेंट की बात कही और हेल्थ की बात कही। इन तीन मुख्य चीजों पर उन्होंने काम किया। उसके बाद जब धीरे धीरे रेगुलेशन एक बना, तो इंडस्ट्री के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया कि वर्कफोर्स, जो आप लोग, जो भाई आप लोग, मेरे भाई जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके हित के बारे में एक मुहिम स्टार्ट हुई, उनको PPEs वगैरह ये सब मिलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके 4 मार्च 1972 को पहला सेफ्टी वीक, सेफ्टी डे मनाया गया, नेशनल सेफ्टी डे पहला घोषित किया गया कि हर 4 मार्च को हम उसे मनाएंगे। आगे जाकर उसको एक हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के दिन से आज का दिन है 53, मतलब इसको 53 साल हो चुके हैं। इस बात को 53 साल से हम हर इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी अपना अपना एक सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन करती है। तो ये सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन किस लिए है, क्यों कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, कोई बताना चाहेगा कि इसका मुख्य कारण हम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मतलब क्या हो रहा है इससे करने से। इसका मुख्य कारण है हम जो कार्यरत पर जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा करें और जागरूक हों इसके प्रति, सुरक्षा के प्रति, हर काम सुरक्षित तरीके से करें, काम के तरीके किस तरीके से करना हो काम तरीके से करें और सुरक्षित रहें, कुल मिला के सुरक्षित। मोटिवेट रहे, हम लोग मोटिवेट रहे अपने काम में। इन्होंने बहुत अच्छे से सब चीजों को बताया, सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। हर साल सेफ्टी वीक जब भी सेलिब्रेट होता है, तो एक थीम रखी जाती है। इस साल की जो थीम है आप देख सकते हैं, सुरक्षा है कर्तव्य हमारा, सुरक्षित हो हर कार्य हमारा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोर से इस चीज को बोले, सुरक्षा है कर्तव्य हमारा, सुरक्षित हो हर कार्य हमारा। आप देखेंगे कि इसमें दो चीजें कही गई है। पहले कर्तव्य की बात कही गई है, आपका कर्तव्य क्या है, क्या है आपका कर्तव्य, कार्य करना, सुरक्षा है आपका कर्तव्य, आपका सबसे पहले सेफ्टी, अपने आप की खुद की सेफ्टी पहले आपका ये कर्तव्य बनता है। यदि आप इस कर्तव्य को निभाते हैं तो आपका सारा कार्य जो भी होगा वो सुरक्षित हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट के चांसेस नहीं कम हो जाएंगे, घट के जीरो भी हो जाएंगे। अगर आप पूर्ण एक SOP, सर ने एक SOP की बात कही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कही है, अगर आप A से Z तक सारी चीजें सेफ्टी की ध्यान में रखते हैं तो आपकी पूर्ण सुरक्षा होगी, एक्सीडेंट की संभावना जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। यदि अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो उससे काफी बचाव हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपने अगर एक लाइन पर काम किया, जैसा ये बता रहे हैं कि एकदम से उनके आगे फ्लैश आ गया, यदि अगर वाइजर पहना होता तो
नहीं लगता। ये तो किस्मत थी कि नियर मिस केस में कन्वर्ट हो गया, अदरवाइज तो सामने आ सकता था, आंखों पे फ्लैश आ सकता था। तो ए टू जेड पूरी सुरक्षा के जितने हमारे जो भी चीजें हमें दी गई है, हमें जूते दिए गए हैं, हमारे हेलमेट दिया गया है, हमें सेंसर दिया गया है, हमें सेफ्टी जैकेट दी गई है, हमें सेफ्टी बेल्ट दी गई है, हमें काफी सारे टूल्स दिए गए हैं। अगर हम इन टूल्स का, इन पीपीईज का इस्तेमाल करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप सब लोगों ने महाभारत देखी है जी। उसमें एक पराक्रमी होता था कर्ण, कर्ण को मारना असंभव था अंटिल उससे क्या मांगा गया था, उसके कुंडल कवच मांग लिए गए थे, कुंडल कवच उसने दान कर दिए थे, उसके बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो जैसे कि उसने अपने कुंडल कवच दे दिए, उसी तरह आपके पीपी आपके कुंडल कवच है। अब यहाँ पर आप एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, आप बीएससीएस में एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, आप 24 घंटे सप्लाई को मेंटेन रख रहे हैं, आप ही हैं जिसकी वजह से बीएससीएस खड़ी है। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो बीएससीएस रहेगी नहीं। क्या एरिया चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। तो बीएससीएस अपने आप में क्या है, योद्धा ही है ना। तो योद्धा के पास लड़ने के लिए कुछ तो चीज होनी चाहिए, बचाव के लिए कुछ होना चाहिए। तो कंपनी ने आपको चीजें प्रोवाइड करी है, हेलमेट जूते दस्ताने सब चीजें दी हुई है। यदि आप अगर इनको उतार कर कार्य करेंगे तो क्या होगा, अपने कुंडल कवच को उतार कर कार्य करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको आघात लग सकता है, बिजली से आपका कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। जितना टाइम हम बिजली के संपर्क में रहेंगे उतनी ही ज्यादा इसका बड़ा आघात होगा, होगा कि नहीं होगा। जितनी ज्यादा करंट हमारे अंदर से बहेगी उतना ही क्या होगा, उतना बड़ा एक्सीडेंट होगा, यही होगा ना। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मुझे मान लीजिए कि मैं करंट के संपर्क में आ गया हूँ, तो मैं अपने सेफ्टी ऑफिसर भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या करोगे उस समय, किसी लकड़ी सूखे से या किसी से, किसी लकड़ी सूखे से किसी भी ऐसी चीज से मुझे हटाओगे, इंसुलेटर से हटाने की कोशिश, इंसुलेटर